दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, सिलसिलेवार प्रत्येक खबर के बारे में हम जानेंगे और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुभारंभ करते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप लगातार खबरें प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं क्या क्या आ रही है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मी पर पुष्टाहार न बांटने का आरोप लगाया गया है। पहली खबर है पिपलाई से है। आपको बता दें, ग्राम बार देहरी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा बच्चों को समय पर पोषाहार ना वितरित करने का आरोप लगाया गया है और इसकी शिकायत की गई है, बकायदा CDPO से की गई है। गांव की महिलाओं ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को तय समय के अनुसार नहीं खोला जा रहा है। साथ ही बाल विकास की ओर से जो मेन्यू जारी किया गया है उसके अनुसार पोषण सामग्री का वितरण भी नहीं हो रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा मनमर्जी चल रही, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुपरवाइजर और कार्यकर्ता सभी अधिकारियों की जो है मेल मिलाप होने के बाद ही ये सब भ्रष्टाचार होता है या कहीं ना कहीं मनमर्जी चलती है। आपको बता दें, बिना सेटिंग गेटिंग के कोई मनमर्जी नहीं चलती है और क्योंकि कार्यकर्ता को ही पता होता है कि हमारे सीनियर अधिकारी हैं, उनका संरक्षण हमें प्राप्त है और जब कार्रवाई होती है तो अकेली कार्यकर्ता के ऊपर होती है। ये काफ़ी दुखद है। हालांकि कई कार्यकर्ताओं ने उजागर किया, सच्चाई बताई है कि भ्रष्टाचार उनके क्षेत्र में भी चल रहा है। वो कार्यकर्ता जो है अच्छी तरीके से काम कर रही, परंतु कुछ ऐसी कार्यकर्ता जो सेटिंग गेटिंग में माहिर हैं और भ्रष्टाचार के चलते जो अधिकारियों से सेटअप कर लेती हैं और काम नहीं करती हैं। एक कार्यकर्ता जो है काम करने वाली, उन्होंने खुद आरोप लगाया है। निश्चित तौर पर जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग होते हैं, तो ऐसा ही यहां पर भी देखने को मिल रहा है। खैर, अगली खबर आपको बताते हैं। आंगनबाड़ी वर्करों ने कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी के घर का घेराव किया और पुतला दहन किया। आपको बता दें, प्री प्राइमरी शिक्षक को लेकर लगातार पंजाब की आंगनबाड़ियाँ जो है विरोध कर रही हैं। अमृतसर से खबर है, ICDS बचाओ बचपन बचाओ की मांग को लेकर सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर रैली निकालने के बाद जो है यहाँ की अरुणा चौधरी बाल विकास मंत्री हैं, इनके घर का जो है आवास का घेराव कर लिया। 12 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला की कोठी का घेराव किया जाएगा, ये भी ऐलान कर दिया। आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रधान जो है उषा रानी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को ख़त्म करने पर लगी हुई है। 2 अक्टूबर 1975 को ICDS स्कीम का गठन हुआ था और अभी हाल ही में आंगनबाड़ी कर्मियों ने 2 अक्टूबर को अपना गठन उत्सव भी मनाया है। आपको बता दें, पूरे देश में बताया जा रहा है 14 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं, 8 करोड़ से अधिक 0 से 6 साल तक के बच्चों, 1 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और माताओं को सेवाएं प्रदान कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें, 26,656 पंजाब में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बताई जा रही है। 45 सालों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्री स्कूल की शिक्षा दी जाती है। इतनी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी बहनें होने के बावजूद भी सरकार इनको प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रही, यही सवाल यूनियन पूछ रहा है कि आखिरकार इनको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की सरकार रणनीति अपना रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, C2 पंजाब के महासचिव रघुनाथ सिंह, प्रदेश प्रधान हरजीत कौर और महासचिव सुभाष रानी ने कहा कि वर्कर और हेल्पर कोरोना काल में भी अपने शिद्दत से काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। 12 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री जो हैं, इनके कोठी, इनका घर है जो, इनके घर का जो है घेराव किया जाएगा और कहा, ऐलान भी कर दिया, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आर पार की लड़ाई लड़ने को भी आंगनबाड़ी बहनें तैयार हैं। बस उनका मनोबल आप लोग बढ़ाते रहिएगा, कमेंट में यस लिखिएगा। खैर, उत्तर प्रदेश चलते हैं, सीतापुर। यहाँ पर आपको बता दें, बड़ी अपडेट आ रही है, कुपोषित बच्चों की रिपोर्ट के साथ ही अब प्रमाण पत्र भी देना होगा। क्या खबर है, समझिए इसको पहले। आपको बता दें, परियोजना क्षेत्र में कितने अच्छे जो हैं कुपोषित हैं, कितने गंभीर यानी कि अति कुपोषित बच्चे हैं, और अब इस रिपोर्ट के साथ ही आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। बिना प्रमाण पत्र के रिपोर्ट आधी अधूरी मानी जाएगी। आपको बता दें, प्रमाण पत्र इस बात की गवाही देगा कि संबंधित परियोजना क्षेत्र में कुपोषित और अति कुपोषित श्रेणी के उतने ही बच्चे हैं जितने CDPO की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं। समझिएगा इस चीज़ को आप। DPO राज कपूर ने जानकारी दी है कि सभी CDPO प्रभारी CDPO को पत्र भेजा गया है और अनुसरण के लिए कुपोषित अति कुपोषित बच्चों की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर भेजने के लिए भी कहा गया।
पत्र में ये भी स्पष्ट है कि जो सूचना भेजी गई है उसके साथ एक प्रमाण पत्र भी देना है, जो ये प्रमाणित करेगा कि संबंधित CDPO के क्षेत्र में रिपोर्ट के सापेक्ष ही कुपोषित या गंभीर कुपोषित बच्चे हैं। आपको बता दें, सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान मनाया जा रहा था। पोषण माह के दौरान सैम और मैम बच्चों का चिन्हांकीकरण जो है और लाभार्थियों घर घर जाकर पोषाहार यानी कि पोषण की जानकारी जो है दी गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गृह भ्रमण के दौरान लाभार्थियों को संतुलित आहार के बारे में भी बताया गया। और जब पोषण माह के अंतिम दिन थे, सभी CDPO से उनके परियोजना क्षेत्र चिन्हित किए गए सैम और मैम बच्चों की जो है सूची मांगी गई थी। तो ये बड़ी अहम खबर है, अब जो है बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रिपोर्ट तो देनी ही पड़ेगी, कितने बच्चे को पोषित है, कितने अति को पोषित है, लाल और पीले श्रेणी में कितने आ रहे हैं, साथ ही प्रमाण पत्र की भी ये खबर बड़ी निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे उजागर होंगे कितने बच्चे वाकई में कुपोषित और अति कुपोषित की श्रेणी में है। आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश में 15 महीने में हर घर को पानी मिल जाएगा, यानी हर घर को नल कनेक्शन मिल जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। आपको बता दें, राज्य के हर घर तक 15 महीने में पानी का कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों में 100 दिन के भीतर ही पानी यानी जल का कनेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, इन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा की और जिलाधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अफसरों को प्रतिदिन के अनुसार लक्ष्य तय करके काम करना होगा। यानी कि 100 दिन जो होंगे स्कूल और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए यानी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं और 15 महीने पूरे प्रदेश भर के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी उत्तराखंड ने 15 महीने के अंदर हर घर को जल कनेक्शन देना सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी, जिसके बाद सभी CM अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। अगली खबर आपको बता देते हैं, बाल विकास मंत्री कभी पुताई करते हैं, आपने देखा है, नहीं देखा तो देख लीजिए। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पुताई की है। आपको बता दें, देहरादून से खबर है, हाल ही में अपने विभाग के अपर सचिव की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में रिपोर्ट करने की वजह सुर्खियों में रही बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य ने। गांधी जयंती को अलग तरीके से मनाया और रेखा आर्य ने देहरादून के एक आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार पर पेंट किया। आपको बता दें, रेखा आर ने आंगनबाड़ी केंद्र शेरपुर की बाहरी दीवार को पेंट किया है। जाहिर तौर पर मंत्री जी की पेंटिंग की हर जरूरत के लिए स्टाफ मौजूद था और मदद भी तत्पर की। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने पेंट बनाया हो, पेंट बना के सब कुछ किया हो। आपको तो मालूम, फॉर्मेलिटी की जाती है तो फॉर्मेलिटी सभी अधिकारी नेता करते हैं। कोई वृक्षारोपण होता है तो कोई अधिकारी उसको जमीन को खोदने में समय थोड़ी बर्बाद करेगा, फिर उसको पानी लाने में, पेड़ लगाने में ऐसा समय बर्बाद नहीं करता। पूरी व्यवस्थाएँ होती हैं, सिर्फ अधिकारी या नेता मंत्री छू लेता है पेड़ को, बस वृक्षारोपण हो जाता है, बस इतना ही काम रहता है। चूँकि कहा जाता है कि अधिकारी और नेताओं के पास समय नहीं है, इसी कारण से ये सब ऐसा करते हैं। और आपको बता दें, अगली खबर जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से निकल कर आ रही है, फर्जी हस्ताक्षर कर एनिमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों के नाम पर ठगी। वाकई में कमाल की बात, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ये खबर है। आपको बता दें, खून की कमी वाली महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए सरकार की ओर से सरकारी खजाना खोल दिया गया है ताकि देश की मातृशक्ति और आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे और राष्ट्र का निर्माण हो सके। लेकिन जिले में यह योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें, ऐसा ही हाल पूसोर ब्लॉक के सेक्टर 11 में नजर आया था, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के फर्जी हस्ताक्षर करके डिमांड नोट तैयार कर सरकारी खजाने से लाखों रुपये की राशि का आहरण यानी निकासी कर ली गई और बंदरबांट कर लिया गया। इसकी शिकायत जब पुसोर क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर दी और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष जो है रजनी हैं, और जिनसे अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक किसी प्रकार खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किया गया क्योंकि इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे। इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए एनिमिक महिलाओं सहित कुपोषित बच्चों के फर्जी आंकड़े डालते हुए लाखों रुपए का बिल तैयार कर लिया गया और इसकी पुष्टि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिए गए पत्र से स्पष्ट हो रहा है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बिल पर दस्तखत करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा और ऐसा नहीं करने पर धमकियां भी दी गईं। वाकई में कमाल की बात है, जब सामग्री वितरित नहीं हुई उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर धन की निकासी कैसे कर ली गई। फर्जी हस्ताक्षर कर एनिमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों के नाम पर बड़ी ठगी हुई है निश्चित तौर पर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आपको बता दें, अगली बड़ी खबर जो है सोशल डिस्टेंसिंग, पीपलोज आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों
को कपड़े और दूध के पैकेट बांटे गए। राजस्थान के बांसवाड़ा से ये खबर है। आपको बता दें, लायंस क्लब बांसवाड़ा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है ऊषा गर्ग के कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट रत्ना अय्यर के सानिध्य में सेवा सप्ताह के तहत पीपलो आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 पैकेट जो हैं दूध के और केले बांटे गए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एनजीओ हैं दान करते हैं बच्चों को। माना जाता है कि जो बच्चे जो हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं वह गरीब होते हैं, इसी कारण से बहुत सारे लोग श्रद्धा अनुसार दान करते हैं। बहुत सारे एनजीओ भी दान करते हैं। आपको हमने हाल ही में बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है जहाँ पर उद्यमियों ने कुछ बच्चों को जो अति कुपोषित और कुपोषित बच्चे उनको गोद लेने का भी ऐलान किया था। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि उनको घर में रखना, बहुत गोद लेने का मतलब ये होता है कि कुछ हद तक मदद करना, यानी कि जितनी आय उद्यमी यानी व्यापारियों को हो रही उसमें से कुछ पार्ट बच्चों के नाम देना, इसी तरीके को कहते हैं गोद लेना या फिर किसी तौर पर मदद करना। और उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया, इसी के साथ ही उत्तराखंड में भी किया गया था। और लगातार योजना के तहत व्यापारियों ने उद्यमियों ने अति कुपोषित बच्चों को गोद लिया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना भी चलाई, इसमें गाय देने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि दूध पीकर बच्चे जो है कुपोषण अपना मिटा सकें। खैर, गाय वाली योजना, कितने लोग ऐसे हैं जो गाय वाली योजना से खुश हैं, कमेंट में ज़रूर बताएँ। आपको बता दें, मेनका गांधी जो है उनका बड़ा बयान आ रहा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से खबर है। ज़िले को जो है सुल्तानपुर जनपद है, यहाँ इस ज़िले को जो है बांस की खेती का केंद्र मेनका गांधी कह रही हैं। आपको बता दें, पूर्व मंत्री भाजपा सांसद मेनका गांधी ने कहा कि ज़िले को बांस खेती केंद्र बनाया जाना चाहिए और कृषि मंत्री से मदद भी मांगेंगी। इस दौरान आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची थी ये सांसद और आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करते हुए उन्होंने ये सब बातें कहीं। आपको बता दें, शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे सांसद दिल्ली से सड़क मार्ग होते हुए अलीगंज पहुंची। वहां से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धम्मौर के बिकना पूरे लेदई गांव के सैनिक हरिकेश यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी और परिवारजनों से मिलते हुए शोक संवेदना जो है उन्होंने व्यक्त की। और इसके बाद धम्मौर क्षेत्र के रमैयापुर में आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ करते हुए आम का पौधा लगाया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपकी माँ हूँ, जब भी आती हूँ कुछ विकास का तोहफा लेकर आती हूँ। इस बार कृषि विज्ञान केंद्र लंबुआ पोस्ट ऑफिस का तोहफा लेकर आई हूँ। खैर, आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय कब बढ़ेगा, इसके बारे में भी तोहफा दीजिएगा। बाल विकास मंत्रियों से भी लगातार अपील कर रही हैं आंगनबाड़ी बहनें, लेकिन जवाब कुछ नहीं है। खैर, अगली खबर आपको बता देते हैं। अभी आपने जानकारी हमने आपको दी थी कि 7 अक्टूबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। अब एक जानकारी और निकल रही है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें निकलती हैं और अपडेट भी होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि मैंने जो पहले खबर बता दी तो वही खबर अभी भी चलेगी, तो आपको लगातार अपडेट रहना होगा ताकि आपको जानकारी स्पष्ट तौर पर पता चल सके, क्योंकि करेक्शन और बदलाव भी होते रहते हैं समय समय पर। आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर से खबर है, 5 से 11 अक्टूबर तक कृमि नाशक दवा जो है एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 5 से 11 अक्टूबर तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम की ओर से 1 से 19 साल तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को सभी केंद्रों पर, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। जाते जाते आपको एक खबर और दे देते हैं। दरअसल आंगनबाड़ी कर्मियों ने जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करने का काम किया है। आपको बता दें, बनारस से खबर है, वर्ष भर बेहतर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उनका जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़े और निश्चित तौर पर और ज़्यादा अच्छा काम करें। खैर, यहाँ पर सभी खबरें ख़त्म होती हैं। आप बताइएगा, आप किस राज्य से और ज़्यादा खबर प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी खबर होगी तो हम उस राज्य से भी देंगे। नमस्कार।